नमस्कार, अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूँ नानमान जुगली चांगलांग हेडक्वार्टर से। जिस तरह से ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग, आई लव चांगलांग, जिसका अर्थ है मुझे चांगलांग पसंद है। तो इसको निर्माण किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि 2022 को टूरिज्म सेक्टर को नज़र रखते हुए और चांगलांग हेडक्वार्टर या चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को एक सुंदरता लाने के लिए। उसी प्रकार हमारे यहाँ के जो चांगलांग वासी जो है, किस तरह से अपने आप को पसंद करते हैं और एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाने में कितना जोर देते हैं यहाँ के जो चांगलांग वासियों को, और इस तरह का जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है सरकार के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो प्रीवियस ईयर या 2023-22 को कई सारे निर्माण जो है किया गया है, लेकिन उसी को लेके यहाँ के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और युवा लोग जो है, उसी चीज़ में कितने जुड़े हुए हैं, वो चीज़ को हम आज हम दिखाने वाले हैं। और यहाँ के जैसे कि न्यू एज लर्निंग सेंटर जो कि मशहूर है, उसके बाद फुटसाल ग्राउंड और इस तरह का जनरल ग्राउंड में भी कई सारे लाइट जो है लगाया गया है, और दूसरा है जो कि स्पोर्ट में बैडमिंटन और जिम, ये सब को नज़र रखते हुए हम उन लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हमारा लोग जो है कितने जुड़े हुए हैं इन चीज़ों में, ताकि आने वाले दिन में हमारे चांगलांग जो है अपने आप को जिस तरह से यहाँ में लिखा हुआ है उसी तरह अपने आप को पसंद करेंगे और चांगलांग को आगे लाने में और चांगलांग को पसंद करेंगे। तो हम सीधे उन लोगों से बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, आइए। इसे टोटल कितना होगा रजिस्टर में? तो 140 प्लस है। स्टार्टिंग जो कि कब से है ना? वैसे स्टार्टिंग मतलब ये शुरुआत जो की और वो लास्ट ईयर अक्टूबर से शुरू हुआ था, सितंबर से, सितंबर 23rd सितंबर से। तो उसमें क्या क्या चीज़ जो पढ़ाया जाता है? ये NALC बोल के ये न्यू एज लर्निंग सेंटर प्रोग्राम चल रही है। DC सर ने, हमारा जो सनी कुमार सिंह था वो सर ने शुरुआत किया था इसका। तो इसमें हम लोग न्यू एज लर्निंग सेंटर मतलब हम लोग स्किल यंग बच्चों को सिखाते हैं। तो इसमें आर्ट है, म्यूजिक है और क्रोचेट है, जो ये दोस्त करवा रही है। आर्ट का मैं सिखाता हूँ और म्यूज़िक का वो मेरा दोस्त सिखाता है, तो यही है अभी। और मैं आर्ट में भी बहुत सारा वेराइटीज़ है। अभी पहले तो पेंसिल ड्राइंग वगैरह, स्केच वगैरह, शेडिंग, ये सब सिखाऊंगा। उसके बाद पेंटिंग, ये सब सिखाऊंगा। ब्रश को कैसे पकड़ना है, ये सब कलर मिक्सिंग कैसा क्या क्या होता है वो सब सिखाऊंगा। उसके बाद में वो सब को भी जो अच्छा से सीख लेंगे, उसके बाद में उनको स्कल्पटिंग सिखाऊंगा, ऐसे सोच के रखा है। मतलब ऐसे ही है प्लान, ऐसे करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल सब स्केच में है, पेंसिल लाइन में। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें कोर्स करना है इस तरह का? तो नहीं कोर्स, हाँ, बच्चे लोगों अगर वो कंटिन्यू क्लास करते हैं, उनका मेंटेन हो रहा है यहाँ पे ना, तो उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये प्रोग्राम जो एक्चुअली फ्री है, बस रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं 150 वन टाइम का, और मंथली कुछ देना नहीं है बच्चों को, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्री है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर इन लोग सीख लेंगे अच्छा से, हम लोग की तरफ से हम लोग क्लियरिफाई कर देंगे कि हाँ स्टूडेंट सीख गया सब कुछ, तब वहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा उनको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स टाइप। तो आपका प्लानिंग कब तक सिखाएगा बोल के, कितना महीना और आगे बढ़ाएगा बोल के सोच रहे आपका प्लानिंग? हम लोग तो सर लगे हुए, हमें मतलब
हम लोग जब तक बोलेगा हम लोग तब तक सिखाएगा। अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से वो लोग जानेंगे कि कब तक उन लोग कंटिन्यू करेगा ये प्रोग्राम। हम लोग तो जब तक बोले तब तक सिखाएंगे, क्योंकि आर्ट 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 म्यूज़िक या कुछ भी हो ना सर, एक दो साल में तो कम्प्लीटली कोई सीख नहीं पाता। बाहर में भी फाइन आर्ट्स का कॉलेज वगैरह है तो 7 साल का डिग्री कॉलेज होता है, उन लोगों का 7 साल लगता है, तो एक दो साल में तो कम्प्लीटली सीख नहीं पाएंगे। अभी मैं तो स्कल्पटिंग भी सिखाऊंगा सोच रहा हूँ, तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो भी उतना अभी एडमिनिस्ट्रेशन लोग ही जानते हैं कि कब तक कंटिन्यू करेंगे इसको। तो लोगों का आप यहाँ से जो ट्रो मीडिया से लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेगा, जो कि कई सारे लोग अभी वेकेशन है तो यहाँ में जोड़ सकता है, तो समय कब है और कौन सा समय है और किस तरह से लोग जो है जोड़ने के लिए आपका कोई मैसेज? अभी हर एक चीज़ सीखना ज़रूरी है, स्टडीज़ सिर्फ स्टडीज़ बोल के ही नहीं, अदर एक्टिविटीज़ भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, या कुछ भी क्रोशेट हो गया, और भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ है। सभी सीखने से हम लोग इन फ्यूचर जैसे भी अपना मतलब जो लाइफ है वो इजी हो जाता है, जैसे भी हम लोग कुछ भी करके कमा के खा सकते हैं। हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए, और ख़ासकर बच्चों को तो हर चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि उन लोग अभी एक कोरा कागज़ है, तो उन लोग उसमें जो चीज़ अच्छे से लिखा जाएगा वो वही होगा ना इन फ्यूचर। तो अभी वो उन लोगों को भी मालूम नहीं कि वो लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो इस तरह से हर चीज़ करके देखना है, जिसमें उन लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया उस चीज़ को पकड़ के आगे चलना है। तो इस तरह से अभी चांगलांग में तो नहीं था पहले ये, लेकिन हमारा सनी कुमार सिंह सर जो बहुत ही अच्छा चीज़ करके गया, तो इसका लाभ उठाना है, सब आना है। ये एवरी सैटरडे संडे 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है क्लासेस, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी NALC बोला जाता है इसको, पीके पॉइंट में है, तो आइए ज्वाइन करिए। तो ये आप कब से सिखा रहे हैं और किन किस चीज़ को आप सिखा रहे हैं? एक्चुअली हम जो क्रोशे सिखाते हैं फैब्रिक से, जो डॉल मेकिंग हो गया, स्वेटर वगैरह बुनाई देते हैं ना, तो उसको सिखा रहे हम लोग। अभी 2023 अक्टूबर से लास्ट वीक से स्टार्ट किया है। तो इसमें आप ये सब जो सिखा रहे, तो यहाँ में जितने भी वो सब सामान जो है कि कौन प्रोवाइड करता है? ये सब जो साड़ी प्रोवाइड किया है हमें, जितना भी मेटेरियल्स है नीटिंग करने का, क्रोशे करने का मेटेरियल, सब DC का ट्रप से ही प्रोवाइड किया गया है हमें यूज़ करने के लिए, बाकी सीखने के लिए। तो अभी टोटल कितने स्टूडेंट हैं? अभी मेरा पास टोटल तो ओनली लेडीज़ जुड़ा है, 30 स्टूडेंट है मेरा पास अभी फ़िलहाल। तो जुड़ सकता है अगर कोई इंटरेस्ट है, सीखने मन है डॉल वगैरह या फिर स्वेटर खुद के लिए, टोट बैग, आजकल तो हैंडमेड चीज़ सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो कोई जान सीखने मन होने से आ सकता है। मैं स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब करने वाला एम्प्लॉय लेडीज लोग भी जुड़ा हुआ है। तो आप जो है किस तरह से यहाँ में जुड़ा है थोड़ा सा बता पाएंगे? यहाँ पर सर DC सर ने ही हम लोग को अपॉइंट किया है ना, कि हम लोग का हम जो ये नीटिंग, क्रोशेट, डॉल वगैरह सब करता है ना, तो सर ने मेरा हुनर को देखा, तो सर ने ही हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया कि ये चीज़ अच्छा है तो सभी करना चाहिए, और साइट वर्क भी, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्टिविटीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सर ने हुनर देख के हम लोग को भी, मुझे भी अपॉर्चुनिटी दिया, और हम भी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं DC सर का तरफ से। किन किन चीज़ों को अभी तक जो है बनाया? सर अभी हम एक्चुअली जो नया न्यूबी होता है, नया स्टूडेंट लोग आते हैं, वो लोग को मैं पहले पैटर्न सिखाती हूँ ना, पैटर्न सिखाती हूँ, उसके बाद जो इजी चीज़ है उसके बाद प्रोसेस नया स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। अभी स्टूडेंट लोग कोई पैटर्न सीख रहा है, कोई अभी डॉल बना के है, ये स्टूडेंट लोग ने भी बनाया है, डॉल से देख सकते हैं ऐसा।
इसका अंदर फाइबर डाला जाता है, जैसे ये फ्लावर बनना बनाना बुके ना, जैसा बैग वगैरह, और किस तरह से बनता है पैटर्न सब सिखाती हूँ। ये कपड़ा है और ऐसा छोटा छोटा डॉल किचन वगैरह बनाया, और भी बहुत सारा बनाया है, और इसने लोग भी काफ़ी सीखा है, और अभी यहाँ से जो भी सीखा है अभी वो लोग भी थोड़ा सा इनकम कर रहा है अपना टॉट बैग वगैरह से बना के। तो ये जो प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाया है, इसको डीसी ऑफिस को उधर सबमिट किया जाता है या आप लोग सेल किया जाता है इसको? अभी फिलहाल तक तो सेल नहीं किया गया है, यहाँ में ही रखा है। कोई लोग पसंद है तो स्टूडेंट लोग लेके गया, चला गया, लेकिन अभी सर बोला कि मतलब यहाँ पे रहने से अच्छा है कि कब परसों में बिल्डिंग बना जाएगा बोला, तो वहाँ में रखने के लिए। तो जितना भी बन रहा है तो हम लोग स्टूडेंट लोग को भी यही में सिक्के यहाँ में रखने के लिए दे रहा है। तो ये है बॉक्सिंग रिंग जो कि फिलहाल यहाँ में तो नहीं सीख रहे, सुनने को ये मिल रहेगी ग्राउंड में ओल वे लोग सीखते हैं। तो ये बॉक्सिंग रिंग है, ये जो है 2023 को इसको बनाया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का द्वारा, और यहाँ में आप देखिए बहुत ही सुंदरता ये जो है बनाया गया है, आप देख पाएंगे यहाँ में ग्लोब है इसके साथ, यहाँ में ये रिंग है इतना खूबसूरत। तो यह में जो नीचे में जो है छोटे छोटे बच्चे जो है ट्रेनिंग लिए जाते हैं यह में, जो कि बैडमिंटन पंचिंग बैग। तो ये जो है यहाँ का जो कोचिंग ले रहे हैं जो कि आज कोच हमें नहीं मिला है, और लाइट भी बहुत ही कमज़ोर है, तो हम यहाँ से जो स्टूडेंट लोग हैं यहाँ में जो कोचिंग ले रहे हैं उन लोगों से हम थोड़ा सा बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जो है आप लोग ने जो सीख रहे हैं बैडमिंटन, वो कब से सीख रहे हैं आप? 2 हफ्ता ज़्यादा हो गया। तो आप लोगों को कौन सिखाया जाता है? देमराव ताइदो। ये जो है सुनने को ये मिला है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्या ये सच है? तो ये जो यहाँ में जो आप लोगों का पीछे में पड़ा हुआ है जो बॉक्सिंग, तो क्या उसमें कोई नहीं है क्या? आजकल तो कोई सीखते ही नहीं, मतलब आते ही नहीं है, कोच भी मतलब है कि नहीं हो तो मालूम नहीं हमको। और यहाँ में जो सुनने को मिला कि कराटे भी पहले सिखाता था, तो क्या अभी आप लोग से कोई शामिल है क्या? आप है ना, तो ये जो कराटे है आपकी कितना महीना सीखा है? 6 साल हो गया। 6 साल? 6 साल। छः साल ये जो है कोच दिखाता था? हाँ, तब एक तो अलग कोच था, वो अभी इतने का ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि अभी तो नहीं है कोच नहीं है। तो ये है उन लोगों का, और कुछ मेरा एक सवाल है जो कि लाइट तो इतना डिम है, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है लाइट का लेके? हाँ, लाइट तो प्रॉब्लम तो है, फिर भी हम लोग काम चला लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ में जो फ़ी है किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट में जाता है तो फ़ी लिया जाता है कहीं जगह में अगर सीखने जाते हैं, तो आप लोग किस तरह से है यहाँ में? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री से सिखाते हैं यहाँ में। तो यहाँ में जैसे कि आप लोग अभी 2 सप्ताह सीख रहा है, तो उससे पहले आप लोग कोचिंग कहीं से लिया नहीं है क्या, और कहीं बाहर में खेलने नहीं गया क्या? जी नहीं है, पहले कोच भी नहीं था और बाहर में खेलने भी नहीं गए। अभी डीसी सर का तरफ से कोच भी देके हमको फ्री से सिखा रहे। एक जिम को लेके बात करें तो पहले जिस तरह से जिम था, अभी का जिम जमीन आसमान का फर्क कर दिया है। तो जिम को लेकर के थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूँगा। 2017 को ये जिम का ओपनिंग किया गया था, जो हम लोगों का अभी जो प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर हैं, प्रेजेंट DSO सर हैं, और जो पहले का जो प्रेजेंट DC सर था श्री वायुंग खिमुन, तो उन लोगों का कोऑर्डिनेशन से ये जिम बहुत अच्छा से स्पॉन्सर करके ये जिम खोला गया था। तो उससे पहले जिम यहाँ में चंगलंग में नहीं था, तो तब से जिम 2017 से चल के आ रहा है। तो उसका बीच में 2 साल का बाद हम लोगों का आते हैं श्री दिवंश यादव IAS ऑफिसर, जो कि डिप्टी कमिश्नर,
2019 को जब से चंगलंग में आए तब से उन लोगों का उनका थोड़ा ध्यान जो हम लोगों का जिम में गया था, तो तब से हम लोगों का जिम उनका तरफ से इक्विपमेंट को लेकर के हो या कुछ बहुत सा ऐसा मदद कर दिया था जिम को लेकर के। श्री सनी के सिंह IAS ऑफिसर, तो जब से वो आया है चंगलंग में उनका फोकस जो जिम में पड़ गया था, तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल बदल गया है। एक हाई क्लास जिम हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ में पोल खेलने से लेकर के यहाँ में बहुत सा इक्विपमेंट्स यहाँ में ला करा गया है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा एक जगह मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, और तब से हम लोगों का यहाँ में खिलाड़ी भी बदल गया है। तो हम लोगों का एस एन सीनियर यही मोटिव है कि चंगलंग का जितना भी यूथ है जो जो इंटरेस्ट दिखाता है जिम को लेकर के, तो उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जैसे कि स्पोर्ट्स, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग या वेट लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत साथ देने के लिए हम लोग साथ देते आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट लेवल में हम लोगों का यहाँ का जो बच्चा लोग है वो मेडल लाना है, तो हम लोगों का ये सोच है और मेडल लाया भी है पावर लिफ्टिंग में स्टेट लेवल में, और आगे जाके भी लाएगा। तो यहाँ का जितना भी अभी जो पार्टिसिपेट कर रहा है योर लोग, तो उनका पेरेंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह का जो स्पोर्ट्स है उसमें आप लोग का बच्चा लोग को इंटरेस्ट देने में आप लोग सपोर्ट किया है। तो हम लोगों का यही सोच है कि यहाँ का बच्चा लोग को आगे ले जाए और स्टेट लेवल ये सबसे हम लोग खेल कूद करके उसका नाम रोशन करें, तो हम लोग इसमें बहुत ही सपोर्ट हैं और सपोर्ट दे रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो यहाँ में जो आप लोग आज खेलने क्या हमेशा आता है आप लोग? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अरुणाचल प्रदेश को थैंक यू कहना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग एक्चुअली ये अभी से जो ग्राउंड है ये हम लोग पहले से आया हुआ है, हमें हैस स्पोर्ट पर्सन हम लोग डेली खेलने आते हैं, एवरी इवनिंग एंड मॉर्निंग हम हमेशा जितना टाइम मिले तो जरूर हम लोग खेलने आते हैं। तो पहले में ये जो लाइट जो है नहीं था, तो अभी तो लाइट है, तो आप लोग ये लाइट जो है कब से है? एक्चुअली आपका ये लाइट जो आपका था 2022 को, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे श्री तेसम पोंगते जी ने वो दोनों जो इनिशिएटिव लिया है वो दोनों का कारण ये चीज़ से अभी बहुत मतलब अभी जितना भी स्टूडेंट हो पब्लिक हो को मैंने बहुत वो क्या बोलते हैं वो मिल रहा है, मतलब सपोर्ट मिल रहा है, प्लस मैंने वो बेनिफिट बोला है वो मिल रहा है, क्योंकि लास्ट पहले ऐसा था कि आप अगर शाम हो गया तो मैंने खेलने नहीं मिलता था, तो अभी ऐसे हो गया कि मतलब आप रात को भी आप शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने 9:30 तक टाइम दिया होगा शायद उससे उसका बात तो बंद करना है बोल के, तो इसके लिए मतलब अभी बोल अगर देखा जाए तो बहुत मतलब सुविधा है, क्योंकि आप अभी इवन नॉट ओनली मैंने यंग यूथ्स बोल के नहीं, आप मैंने मम्मी पापा हो या जो भी हो एवरी चाइल्ड अभी आप देख सकते हैं बच्चा हो हमें खेला हो अभी खेलता है एवरी इवनिंग बोल खेलने आता है, और यहाँ में ओपन जिम भी शायद यहाँ में दिया हुआ है इवन ये बच्चा के लिए भी है शायद, और बहुत कुछ अभी इसके लिए पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग बहुत थैंकफुल है। यहाँ में फुटसाल जी हाँ, और ये हमारे फुटसाल और प्लस आपका ये कराटे क्लब भी है एंड बॉक्सिंग क्लब, तो मैं ये एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा मैंने कुछ सुना था कि वैसे हम का एडमिनिस्ट्रेशन और श्री तेसम पोंग जी का तरफ से ये बनाया गया है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितना चांगलांग का जितना भी ये पेरेंट्स हो पेरेंट्स हम उसको बोलना चाहते हैं पढ़ाई तो वो मैंडेटरी है, दैट्स मैंने वो तो सही बात है, बट आपको स्पोर्ट को भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों बोथ साइड अगर आदमी डेवलप होगा तो वो आदमी आगे जा पाएगा, तो मैं ये अनुरोध है कि अभी बॉक्सिंग भी है आपका स्पोर्ट में, अभी फुटसाल भी है, बहुत कुछ है, तो मैं चाहूँगा कि अपने अपना जो बाल बच्चा है मतलब नहीं पढ़ाई तो जरूरी है बट स्पोर्ट भी जरूरी है, वही कहना चाहूँगा मैं। तो इसी को लेते हुए और इसमें आपको आप ऐसे युवा कई सारे आने जाने होते होगा जी, तो चांगलंग में अगर देखा जाएगा तो किस तरह से सुधार जो है आ रहा है हर चीज़ हर एवरी सेक्टर को लेके जी? अगर अभी देखा जाए तो हमारे जो लास्ट टाइम का जो सर बोलेगा हमारे जो DC सर था सनी सर और हमारे जो श्री तेसम पोंगते जी वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और वो हमारे जो MLA था वो लोग का अंदर अगर पहले से देखा जाए तो अभी पहले से तो बहुत मतलब क्या एवरी सेक्टर आप डेवलपमेंट होगा एजुकेशन होगा या स्पोर्ट होगा इम्प्रूव हो रहा है पहले से, क्योंकि पहले आप देखा जाए तो हंगपन दादा भी अभी स्पोर्ट का था वहाँ में भी क्या था कि मैंने पहले मतलब वहाँ में एज का कोई मतलब नहीं था, बट हमारे वहाँ में क्या हो गया कि CM ट्रॉफी आया हंगपन दादा का, वहाँ से क्या होगा कि अभी एज का मुताबिक होता है, तो अभी क्या हो गया कि बच्चा लोग का मतलब अभी बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है अगर स्पोर्ट में देखा जाए, और जितना भी अगर पहले एजुकेशन सेक्टर हो आपका और इस हेल्थ सेक्टर और अभी पहले से तो अगर मैंने आपका मे बी 10 ईयर्स का पहले तो अभी तो बहुत मैंने इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो अभी होप दैट मतलब ऐसा ही होना है दोनों का जितना एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी हमारे यहाँ का जो लोकल MLA है वो लोग का इन कोलाबरेट अगर करेगा तो साथ में तो हम लोग और आगे बढ़ेगा, नॉट ओनली इन स्पोर्ट एंड एवरी एजुकेशन भी एवरी सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ पाएगा हम लोग।
ये था इनका जो राय है। तो वही दर्शकों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ को डीसी या एमएलए सिर्फ लाएंगे तो हमें इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो हम कुछ और अलग खबर के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।